वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये साफ में बोल रहा है कि x माइनस 1 इस गिवन पॉलीनोमियल के क्या है फैक्टर है। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे फैक्टर वाले केस में हम क्या करते थे कि x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करते थे, ठीक है, तो फैक्टर होता था, अदरवाइज नहीं होता था। मतलब गिवन पॉलीनोमियल में अगर x की वैल्यू पुट करके जीरो के इक्वल है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन इस केस में तो फैक्टर पहले से बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका क्या है गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर है, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इट मीन्स एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 को जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 और x इक्वल टू 1 इसमें पुट करने पर जीरो के इक्वल आना चाहिए गिवन पॉलीनोमियल, तो ये जीरो के इक्वल होगा तभी हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट करते हैं, देखिए तो यहाँ पर इसको पुट करने पर पी एक्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तभी इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब पी एक्स जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के ये भी जीरो की इक्वल हो। अब इसमें पुट कर दो आप x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इक्वल टू 0, प्लस का 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू क्या है माइनस फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू इसमें पुट करने पर ये गिवन पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल आना चाहिए, इट मींस px क्या होना चाहिए जीरो इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। अगर इसका फैक्टर है x माइनस 1 तो px क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे इसमें करना है। जब पी एक्स जीरो होगा तो इसका मतलब गिवन पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एक्स माइनस 1 को जीरो के इक्वल करके जैसे हमने यहाँ फाइंड किया था एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो के एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो हमें क्या पुट करना है 1 एक्स इक्वल टू 1 टू 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस k 1 जाके प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए प्लस के 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस रूट टू इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस को जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 2। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो 2 प्लस रूट टू ये भी आंसर दे सकते हो आप और ये भी आंसर दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइज फर्स्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 सेकंड 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 1 बाय 1 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 सबसे पहले जो गिवन पॉलीनोमियल है फैक्टर करने से पहले गिवन पॉलीनोमियल को हम एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करेंगे, इट मींस मैक्सिमम पावर फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम। जैसे यहाँ पर पावर कितनी 2 और यहाँ पर कितनी है इसकी पावर 1 और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है। इसको 0 के इक्वल करेंगे हम, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड हम यूज करेंगे, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट द मिडिल टर्म हम यूज करेंगे।
फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² × 1, यही स्टेप होता है हमारे, पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो ये आएगा 12x². अब स्प्लिट द मिडिल टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिडिल जो टर्म्स होती है हमारे पास, इसके हमें टू पार्ट्स करने होते हैं, स्प्लिट करना होता है। तो -7x के दो पार्ट ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 है, साथ में 12x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर खुद -7x आना चाहिए। तो 7 के टू पार्ट्स होंगे हमारे पास, 4x और 3x आपने सोचा, 4 3 जा 12 और x into x x²। लेकिन अब साइन की बारी, साइन कैसे यूज करोगे आप इसके अकॉर्डिंग, दोनों के साथ अगर नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो सेम साइन में प्लस हो जाता है, माइनस के 7x आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 3 जा 12x² है, तो इसका मतलब -7x के टू पार्ट्स हमारे ये होगी, इसको अरेंज करेंगे 12x² -7x 12x² -4x -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 2 के क्या बना लेते हैं पेयर, एक पेयर 2 का एक पेयर और 2 का सेकंड। फर्स्ट पेयर में से देखें कॉमन क्या है, 4 भी है, 4 का भी डिवाइड कर सकता है और x का कॉमन, मींस वो मिनिमम जो हमारे पास नंबर होता है जिसमें दोनों का डिवाइड करेंगे, तो मिनिमम नंबर हमारे पास 4 है और x, 4x को हमने बाहर लिया कॉमन। और मैंने आपको ये ट्रिक भी बता रहा है कि जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी के अंदर डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को यहाँ ऐड कर देंगे। तो देखो पूरा ये हम पेयर इसको यहाँ नोट नोट करते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कर सकते हो, पूरा पेयर को नोट कर लो और कॉमन के लिए आपने 4x 4x के डिवाइड कर दो कॉमन। तो देखिए 4 3 जा 12, 1x से 1x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3x स्क्वायर राइट, माइनस का सर 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, तो 1 * 1 1 ये माइनस, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। अब इसमें देखिए मिनिमम दोनों में कॉमन है तो 1 कॉमन है, कॉमन जब कुछ भी नहीं होता तो हम क्या लेते हैं 1, साइन किसका है माइनस, तो माइनस का 1 कॉमन। अब वही चीज हमको करना है इस पेयर में, -3x प्लस 1 को एज इट इज नोट कर लेंगे और जो चीज कॉमन लेते हैं उसी पे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3x ही रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 1/1 इक्वल टू 0, गलती हो ही नहीं सकती आपसे, जो चीज कॉमन लो और ऐसे कैसे आप रफ में डिवाइड करके नोट कर दो। अब देखिए 3x - 1 3x - 1 दोनों में कॉमन, 3x - 1 बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा 4x - 1 = 0, सेपरेट सेपरेट 0 को इक्वल कर देंगे इसको, 3x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0, माइनस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा प्लस, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है किस में पहुंच जाएगी डिवाइड, इक्वेशन सोल्व करना हमें आते ही x = 1/4, यह 4x - 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस 1, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है किस में पहुंच जाएगी डिवाइड, x = 1/4। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, x = 1/3 एंड x = 1/4। ऐसे हम सेकेंड के करते हैं, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x² + 7x + 3, स्प्लिट द मिडिल टर्म के स्टेप याद रखना है आपको, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पावर के अकॉर्डिंग, ये तो पहले से अरेंज है, अगर नहीं है डिस्टर्ब ऑर्डर दे दे तो आप पहले अरेंज करेंगे। अब देखिए रफ में हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2 3 = 6x² फर्स्ट और लास्ट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इसलिए इसका नाम स्प्लिट द मिडिल टर्म प्लस 7, टू पार्ट्स करेंगे इसकी। अब आपको ऐसे पार्ट्स करने हैं जो प्लस माइनस करने पर तो 7x है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6x² 7, तो क्या होगा 6x और 1x, 1x मींस x। अब चेक करते हैं इसको, इसके साथ प्लस का साइन लगाया हमने, तो प्लस 6x और प्लस 1x प्लस का 7x है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6x² आ रहा है, तो इसका मतलब 7x के टू पार्ट्स हो गए, तो ये 2x² + 6x + x + 3
जीरो के। अब देखिए आपका अगर इनको आगे पीछे अरेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, अगर x को पहले राइट कर दोगे 6x को बाद में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, आंसर सेम ही रहेगा। तो पेयर बनाते हैं फर्स्ट पेयर या सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से मिनिमम क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो मिनिमम 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है और इसमें x भी कॉमन है, दोनों में डिवाइड है तो 2x कॉमन है। अब वही चीज 2x स्क्वायर प्लस 6x में इसको राइट कर लेंगे, अपन 2x स्क्वायर प्लस 6x में जो चीज कॉमन लेते हैं उसी का हम क्या कर देंगे डिवाइड, जो बचेगा उसको यहाँ राइट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, x से 1 प्लस x से x कैंसिल, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 1 मीन्स 3 होता है x प्लस। ऐसे ही आप इसमें कॉमन देखेंगे कि यार साइन तो प्लस का है, मेरा प्लस का साइन, कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो हम क्या लेते हैं 1। अब देखिए जो पेयर है x प्लस 3 में जो चीज कॉमन लेते हैं उसी का हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 1 का डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x प्लस 3 इक्वल टू 0, सेपरेट सेपरेट 0 को इक्वल कर लेंगे हम, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3, और 2x प्लस के 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 1, और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है किसमें पहुंच जाएगी डिवाइड माइनस 1 अपॉन, तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास दैट इज आंसर।